हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो मतलब स्पीड क्या होती है कि कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है या ट्रेवल किया है एक पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक है, एक घंटे में कितना करा है। तो इसको स्पीड का फॉर्मूला हम ऐसे याद कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस एस, ठीक है, इन टाइम टी, देन द स्पीड वी इज़ इक्वल्स टू। तो वो थोड़ा सा नोटेशन चेंज करके बोल दिया है, स्पीड को डोनेशन जो होती है वो स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को किससे करते हैं, डिस्टेंस को स्मॉल एस से, और टाइम को क्या करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा, वी इज इक्वल्स टू एस बाई टी। ठीक है, जो एस सही यूनिट होता है स्पीड का वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है वो, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताता है, वैल्यू बताता है, अभी किस डायरेक्शन में हो रही है वो चीज़ नहीं बताता, तो ये क्या होगा, स्केलर क्वान्टिटी। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लो, रेड कलर की कार जो है वो किस स्पीड से दौड़ रही है, वो दौड़ रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और ग्रे कलर की कार किससे हो रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये यूनिट्स किसकी है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं किस डायरेक्शन में, वो तो एरो बताया गया है, तो उस स्पीड डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो इसलिए वो क्या होगी, स्केलर क्वान्टिटी। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।